निवेश के तौर पर एक जमीन ली है कुछ गोल्ड भी इन्वेस्ट करके रखा है इसी के साथ कुछ एफ भी करवाई है बैंक बैलेंस में एक ऐसा मिनिमम बेस भी बना कर रखा है जो संघर्ष के समय काम आने वाला हो और इन सारी कैलकुलेशंस के साथ में हम चलते चले गए एक समय ऐसा आया जब रुपये पैसे की जरूरत पड़ी तो जो ये सारे ही बैलेंस थे वो काम आए और व्यक्ति पुनः वहाँ से निकल गया और खुद को समृद्धि के रास्ते की तरफ लेकर आता चला गया ये कैलकुलेशंस हमने कई बार देखी है परंतु जब व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को तय करता है उसने क्या पढ़ा है क्या सीखा है एन्वायरमेंट से क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं जब भी उसके सामने स्ट्रगल आए तो उन्होंने कैसे उसको डिफाइन करने का काम किया है या फिर रीडिफाइन करने का काम किया है ये एक मानसिक अवस्था के साथ में चलते हुए स्थितियाँ हैं जो भी भीतर भरी रहती है जब समय संघर्षों के प्रतिबिंब के साथ में पुनः खटखटाहट देता है तो जीवन ने आपको मृदुभाषिता का स्वरूप दिया है उसको अब अच्छे से प्रदर्शित करने की जरूरत है आपने स्थितियों को मैनेज बहुत अच्छे से किया है और मैनेजमेंट की तरफ गए हैं तो अब उस एक नॉलेज को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है इसी के साथ यात्राओं के साथ में आपने कई सवेरे होते हुए देखे हैं और उसी के साथ में ही आपने अभी तक अपने प्रगति के प्रथ को निर्धारित किया है वहाँ के सारे ही जो बेसिस हैं आप जानते हैं अब उसको भी सामने लेकर आने की आवश्यकता है जब साढ़े साथी अपने प्रथम प्रवास क्रम की ओर चलती है तो व्यक्ति आर्थिक और मानसिक स्तर पर कैसे समृद्ध हुआ है उसी समृद्धि को प्रदर्शित करने की और उन संघर्षों से बाहर निकलने की जरूरत रहती है बहरहाल हम यहाँ चर्चा गुरु के परिवर्तन के लेकर उपस्थित हुए हैं यानी कि गुरु राशि परिवर्तन की ओर है 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो वहीं पर आप ये देखिएगा कि राहु के साथ में देवगुरु रहने वाले होंगे गुरु और राहु का जो चांडाल दोष है वो यहाँ सेकंड हाउस के अप्रोच में रहेगा शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी परंतु इनकी तीसरी दृष्टि में बेहतरी है गौर करें कि नवग्रही व्यवस्था के साथ में एकमात्र ऐसी ग्रही व्यवस्था शनिदेव है जो कि कर्म फल प्रदाता है सबसे नजदीक की दृष्टि भी उनके साथ जुड़ी हुई और सबसे दूर की दृष्टि भी उनके साथ में जुड़ी हुई देवगुरु की दृष्टि में अमृत है तो वहीं राहु की दृष्टि में निरंतर व्यक्ति को अवचेतन के साथ में भय देने की ताकत है संभलो संभल कर चलो लेकिन इतना भी मत संभलो कि चलना ही छोड़ दो ये भी एक गणना सामने आती है राहु दूसरी डेफिनेशन का बेस है इसी वजह से हम ये कैलकुलेट करके चलें और ये समझें कि जब भी ऐसे दोषा दोष की स्थितियाँ बन रही है खुद को हम कैसे संभाल रहे हैं खुद को कैसे हम व्यवस्थित करने की तरफ जा रहे हैं वहां से कौन से डेफिनेशंस खुद के लिए देख रहे हैं ये क्लैरिटी बनाकर चलिएगा तो इसी वजह से भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है पहले तो ये ध्यान रखें कि आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर सामने आ रहे हैं उससे हम यहां जुड़ने वाले नहीं हों जब तक पोजिशंस को चेक नहीं कर लें अपनी डेफिनेशन्स को एक्सप्लोर नहीं कर लें नेक्स्ट लेवल की ओर जाने वाले नहीं हो ये एक प्रोबेबल नोट बनाकर रखिएगा तो वहीं पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहां धन भाव पर रहने वाली होगी गुरु राहु जो साथ में है उन पर रहने वाली होगी तो ऐसी अवस्था के साथ में आप यहाँ फाइनेंस को रिलेट करते हुए डिसीजंस में जल्दबाजी से बचिएगा अभी अप्रैल मई जून में कोई ऑफर सामने आ रहा है कि आप लोन ले लीजिए वो व्यक्ति कह रहा है कि बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं नौकरी में अच्छे कैसे चल रहे हैं कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए नौकरी कब तक करेंगे व्यक्ति को लगता भी है कि हाँ बात तो सही है नौकरी कब तक करेंगे उम्र बढ़ रही है प्राइवेट कल्चर के साथ में है क्या भरोसा और वही व्यक्ति वर्षों के जो निर्णय एक तरह से संभल कर लेने थे उसको दिनों में ले, ले लेता है और खुद के लिए जबरदस्ती के संघर्ष लेकर आ जाता है जो भी बात यहाँ सुनी जा रही है फैसिनेशन की पोजीशन से उसको दूर रखिएगा फैसिनेशन एक ऐसा प्रोजेक्टर है जो स्थितियों को न जाने कितना ही बड़ा करके दिखाता है जो वास्तविक तौर के ऊपर होती नहीं है ये एक अवस्था व्यवस्थित करके चलें वहीं पर यहाँ संबंधों को संभालने की जरूरत रहेगी गुरु एवं राहु जब भी साथ में होते हैं तो व्यक्ति रिलेशन की कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता है किसी ने कुछ भी कहा और हमने किसी के बारे में कोई डेफिनेशन बना ली संबंधों की खटास सामने निकल कर आ गई जो संबंध संबल थे जीवन का उनसे दूर होकर खुद को ही निर्बल करने वाले होंगे हम वहां संबल नहीं कर सकते ये एक पोजीशन को अप्रोच करने की रिक्वायरमेंट रहती है वहीं आप ये देखिएगा कि इन दोनों ही ग्रहों की जो व्यवस्था साथ में होती है जहां पर आप कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां पर आप रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अपनी पोजिशन कंडीशन को लेकर चलते हैं वहाँ से ये यात्रा आपको एक अलग अप्रोच भी देती है वहीं जॉब के अंदर अभी किसी भी तरीके की प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन करने से बचें ल्यूक्रेटिव ऑफर की तरफ जाना यहाँ ठीक नहीं है फिर से निवेदन करेंगे तो वहीं अगर आप फाइनेंस संबंधी कामकाज में हैं क्योंकि अब गौर करने की जरूरत है एक तरह से दशम और राशि भाव के अधिपति धन भाव के साथ में हो गए अब ये देखें नवम पंचम बना देवगुरु बृहस्पति पुनः कर्म भाव को देखते हुए ये ऋण भाव है है फाइनेंस फाइनेंस संबंधी संबंधी गतिविधियों के साथ में जो बर्डन्स भी भी देखी जाती है, वो यहीं से इसके अलावा कामकाज में भी व्यक्ति जुड़ा हुआ हो तो द्वितीय और साथ ही साथ षष्ठ को देखा जाता है इनकी दृष्टि और राहू की भी दृष्टि सिक्स हाउस पर रहेगी इसी वजह से फाइनेंस संबंधी कामकाज में भले ही आप बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हों ये समय अति विलक्षण है क्योंकि इसी अंतराल में बुद्ध और मंगल का परिवर्तन भी प्रभावी रहने वाला होगा यही योगा योग के आधार पर आप फाइनेंस संबंधी कामकाज में बेटरमेंट तो वहीं पर नर्व्स और स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स के साथ में भी डिस्टर्ब हो सकते हैं अब रेगुलर एक्सरसाइज और खान पान पर पूरा प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर नियंत्रण ये दोनों ही 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक आपके साथ में चलने वाला हो ये ख्याल रखिएगा शत्रु पक्ष यहां हावी नहीं है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां एक तरह से सष्ट भाव पर रहेगी प्रथम त्रिक पर रहने वाली होगी इनकी दृष्टि और आप यह भी देखिएगा कि जो अंतिम त्रिक है वहां शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय और प्रथम त्रिक पर इसे लिए कंट्रोल्ड प्रोसेस निकलकर आने वाले हो जाते हैं शत्रुपक्ष हावी नहीं है परंतु मन के भीतर की जो चेतनाएं है वो कई बार शत्रु स्थितियों को निर्मित करती है भीतर ही भीतर उससे आप थोड़ा सा संभलिएगा वहीं पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां अष्टम भाव पर है विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अटके हुए जो भी गणनाक्रम थे अब आप वहाँ एक पॉजिटिव अप्रोच देखने वाले हो सकते हैं कोई भी स्थिति थ्रेशोल्ड के ऊपर आ चुकी थी और हम पॉजिटिव इंडिकेशंस का एक तरह से इंतजार कर रहे थे वो इंडिकेशन भी और एग्जीक्यूशन भी वो दोनों ही प्रोबेबिलिटीज़ आपके साथ में नजर आती है आकस्मिक तौर पर आ रही बाधाओं के लिए मन की चेतनाओं को तैयार करके रखने की जरूरत रहेगी ये परिभाषा अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा और ये भी याद रखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए डेवलपमेंट के मेजर्स भी आपके साथ में यहाँ पर रहने वाले होंगे उसमें कोई भी नकार और कोई भी दूसरी गणना नहीं है एड्थ हाउस के अप्रोच के साथ में बारंबार ये याद रख कर चला जाए कि केतु जो अष्टम में है आपके लिए जो भी कला संबंधी क्षेत्र विशेष की स्थितियाँ होती है वो एक मेजर लेवल आपको देने वाली हो सकती है रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप यहाँ चलने वाले होंगे गुरु की स्थिति जब अपने मूल त्रिकोण को देखने वाली हो जाती है तो ये याद रखें कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो एग्जिस्टिंग बेस है वहाँ बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी खुद को मैनेज करके चलना होगा नई टास्क आपके सामने आ सकती है कुछ ऐसे कामकाज सामने आ सकते हैं जिसमें आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है अब खुद को कैसे हम कैलकुलेशंस के साथ में लेकर चलते हैं टेंथ हाउस की उस डेफिनेशन को अपने साथ जोड़ने की जरूरत रहेगी पिता के साथ में संबंधों को और अच्छे से आप व्यवस्थित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा ये भी प्रसाइज नोट आपके सामने नजर आने वाला होता है वही नौकरी से व्यापार की ओर जा रहे हैं पुनः निवेदन के बहुत ज्यादा संभल कर चले अब आप ये देखें कि जो दशम और एक तरह से प्रथम भाव के अधिपति द्वादश में है कॉन्फिडेंस की अप्रोच बनी हुई है हाँ हम कर जाएंगे ये काम का ये बात सबसे पहले बाहर निकल कर आती है परंतु ये एजम्शन के साथ में नहीं रहे हम कैलकुलेशन के साथ में रहे ये ख्याल रखने की जरूरत है इसी के साथ में शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर है आप बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से बचिएगा अपनी बातचीत के अंदर हम कई बार इतना स्पेसिफिक हो जाते हैं कि खुद भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते ये समय हनुमंत उपासना के साथ में चलता रहे क्योंकि साढ़े साते का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है तो वहीं पर आप निरंतर जो भी बृहस्पतिवार आपके लिए बेहतर लगते हैं उसमें पीले वस्तुओं का दान करते रहना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते चले जाना और इसी के साथ में यदि आप गुरु बीज मंत्र और राहु गायत्री मंत्र का पाठ सूर्योदय के 45 मिनट के भीतर करते हैं तो उसके भी परिणाम सुखद एवं अच्छे कहे जाएंगे फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा फियरफुल होने से बचें यहां व्यवस्थित स्थितियां बनी रहेंगी परंतु अंतिम छोर तक संघर्ष के बाद में ही वो स्थितियां व्यवस्थित होने वाली होंगी और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति अपनी इस यात्रा में मोक्ष कारक ग्रह के नक्षत्र परिधियों के साथ में होंगे इसी वजह से सोच दूरदर्शिता के पैमानों को लेकर चलती है जो व्यक्ति आज और कल में हुआ है उसे आप सलाह लेंगे और आप सोच रहे हैं वर्षों की तो हम कहां पहुंचने वाले होंगे ये जो एक डिफरेंस है इसको ही मेजर करने की यहाँ आपके लिए रिक्वायरमेंट है गृहस्थ पक्ष के साथ में तनाव रह सकते हैं पंचम के साथ में बात करें चार दस का संबंध रहेगा देवगुरु की दृष्टि अब अपने उच्च राशि स्थान से हट जाएगी स्टॉक मार्केट में संभल कर चले वहीं यहां से छह आठ का संबंध है कारकत्व देवगुरु का यहाँ पर भी है आध्यात्मिक स्तर पर उस स्तर की प्रगति नहीं है परंतु शनिदेव कर्म के प्रभाव के बाद में आध्यात्मिक प्रगति देने वाले होते हैं आजीविका के साथ में सीधा संबंध है तो यहाँ से जो चार दस का संबंध है सर्वांगीण लाभ की स्तर में वह ठीक ठाक रह रख है तेजी नहीं है इस बात पर भी गौर कीजिएगा कुल जमा जोड़ इस समय को बहुत अधिक सजग रहकर निकालने की जरूरत है जो अनुभव मिल रहे हैं उसके साथ में जीवन को जोड़ने की आवश्यकता है इन छह महीनों की नींब के ऊपर एक बहुत अच्छी इमारत आगे जाकर खड़ी हो सकती है परंतु उसकी तैयारी आज करने की जरूरत रहेगी ये एक बात भीतर तक आप स्थापित करते चले जाइएगा तो ये था देवगुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन जो कि 22 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए हमने चर्चा रखी हम ऐसे ही डिस्कशंस के साथ में आपके समक्ष हाज़िर होने का प्रयत्न करते रहेंगे धन्यवाद एवं कुटिश है आभार